Example, the flowers were flowing along with the breeze. Breeze and music together makes me feel fresh. Next, chanced. Chanced मतलब संयोग. When you are not sure about something. Example sentences, I chanced to look at my mother dancing. I chanced to solve the problem. Kite. A light paper that is attached with a long string and flown in the wind. String yani dori. Example, I enjoy flying by kite with my friends. We had a kite flying competition in school. Sit. To be a position in which your bottom is resting on a chair, ground, etc. Ground yani zameen. Example, I have already asked her to sit. I wish I could sit on the clouds. काश मैं बादलों पर बैठ पाता. Next question है, what does the child wish to be? बच्चा क्या बनना चाहता था? The child wishes to be a kite. बच्चा पतंग बनना चाहता था. What does the child wish to do with the breeze? The child wishes to ride upon the breeze and go whichever way he or she was chanced to blow by the breeze. बच्चा हवा पर सवारी करना चाहता था. The child wishes that to ride upon the breeze and go wherever he got a chance to. और हर उस जगह पर जाना चाहता था जहाँ पर उसे जाने का मौका मिलता. Next question है, what would you like to be? I would like to be a squirrel as it runs very fast and is able to climb trees easily. Or I would like to be a bird and fly high in the sky. Imagine you are a bird in the sky. Describe what you will feel when you see a kite flying near you. Imagine yani kalpana kijiye. Describe varan karein. If I were a bird, I would feel very excited to see a kite flying near me. I would follow yani peecha karna the kite and try to catch it and tear it off with my beak. Excited, बहुत खुश हो जाना. Sky, आसमान. Side, तरफ. Cart, गाड़ी. Chance, मौका. Part, हिस्सा. हिस्सा जिन words की आवाज़ और sounds एक जैसी निकलती है उनको हम rhyming words बोलते हैं. Bird, height. Kite, साइट नज़र. राइट बाइट रहना और इंतज़ार करना. साइड डाइट. स्काई क्राई. कार्ट डार्ट. डार्ट मतलब चपटना. चांस फ्रांस. फास्ट कास्ट यानी किरदार. पार्ट हार्ट यानी दिल. डू यू नो मोर वर्ड्स विद दीज साउंड्स? आंसर यस आई नो मोर वर्ड्स विद दीज साउंड्स. क्या आप इन ध्वनियों के साथ और शब्द जानते हैं? हाँ मैं इन ध्वनियों के साथ और शब्द जानता हूँ. फ्रांस. फ्रांस एक कंट्री का नाम है जो यूरोप के अंदर है. व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई? बर्ड्स एरोप्लेन हेलीकॉप्टर्स एंड बैट्स फ्लाई इन द स्काई. इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई? If I had wings, I would fly to London. तो मैं लंदन के लिए उड़ान भरता. Rainbow, इंद्रधनुष. Chapter 14, सुंदरी. When, जब और कब. Made, बनाया गया. Fair, निष्पक्ष और मेला. Said, कहा. निष्पक्ष का मतलब दोनों तरफ की बात को सुनकर फिर बोलना. मेला जिसमें सब बाजार लगाते हैं. बैंड गिरोह और बाजा. बैंड और गिरोह मतलब जो 5-10 लोगों का ग्रुप होता है. लॉट्स ऑफ लव ढेर सारा प्यार. राउंड गोल और चक्कर. स्पेस जगह और अंतरिक्ष. वॉच एकदम ध्यान से देखना. लुक देखा. नोट अर्थ और सन और मून के बीच की जो जगह है उसे हम स्पेस कहते हैं. होल्ड पकड़ना और जागीर. जागीर मतलब यहाँ मेरा है. पफ पफ यानी झटका और ऊंचा. फ्लाई अप उड़ान भरना
ऊपर की तरफ, शूट भागना और बाहर करना, फार अवे बहुत दूर, टग्ड पर टंगा हुआ, लांग दिया पार किया, स्ट्रिंग तार, फीलिंग भाव, क्राई रोना और चिल्लाना, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म, फ्लू सेकंड फॉर्म, वी खुशी से चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड्स हैं बैंड, डिजी, स्माइल, स्ट्रिंग, टग, विंड। बैंड अ ग्रुप ऑफ पीपल प्लेइंग म्यूजिक। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, माई फेवरेट बैंड इज गोइंग टू प्ले टू नाइट, शी विल परफॉर्म इन द बैंड। डिजी, चारों ओर घूमने का एहसास होना, हैविंग अ फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, आई वॉन्ट टू सिट एज आई एम फीलिंग डिजी, ईट समथिंग और यू विल फील डिजी। स्माइल, एन एक्सप्रेशन दैट शोज यू आर हैप्पी। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, आई ऑलवेज स्माइल व्हेन आई सी माई सिस्टर। नेक्स्ट, वाई डिड यू स्माइल। स्ट्रिंग अ थ्रेड। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, गेट होल्ड ऑफ दैट स्ट्रिंग टाइटली, उस धागे को कसकर पकड़ें। गो एंड हैंग द पेपर यूजिंग अ स्ट्रिंग, जाओ और एक तार का उपयोग करके कागज को लटकाओ। टग, टग मतलब बल, टू पुल विथ फोर्स। ट्यून, धुन। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, डू नॉट टग द डोर। टग द बोट इन वन डायरेक्शन, नाव को एक दिशा में खींचें। विंड यानी हवा, मूविंग एयर। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, द विंड वॉज ब्लोइंग सॉफ्टली, विंड हवा धीरे चल रही थी। द विंड ब्लू अवे द न्यूज़पेपर। फील, महसूस करना। मैरी गो राउंड, एक झूला होता है जिसमें हम बैठकर गोल गोल घूमते हैं। क्वेश्चन वन, हु मेड सुंदरी। बॉबी मेड सुंदरी। व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी। बॉबी कॉल्ड हिज काइट सुंदरी कॉज इट वॉज ब्यूटिफुल। डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, क्या सुंदरी पहली बार में बहुत ऊंचा उड़ पाई थी? नो, सुंदरी डिडेंट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट। वॉट मेड सुंदरी रियली हैप्पी, सुंदरी वॉज वेरी हैप्पी वेन शी वॉज एबल टू फ्लाई हाई इन द स्काई ऑन हर ओन। और सुंदरी बिकेम रियली हैप्पी वेन बॉबी लेट हर गो एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स? यस, आई लाइक टू फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग। Who helps you to fly kites? My father helps me to fly kites. Sometimes my friends also help me in flying kites or my brother helps me to fly kites. Take the objects you need to fly a kite. Color the kite. Stick, chhadi or dandi, roller, charkhi, glue, pair of scissors and paper. Rearrange the following sentences in the right order to make it into a story on the left page. It is rearranged, already मैंने कर दिया है। It is raining. The girl has an umbrella, छाता और छतरी। A wind blows. The crow flies away with the umbrella. A wind flows. The crow flies away with the umbrella. Nikova छतरी के साथ बहुत दूर उड़ गया। द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री। द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट। हैज़, किसी चीज़ का हमारे पास होना। नाउ से द स्टोरी इन इंग्लिश यूजिंग द वर्ड्स रेन, विंड, क्रो, नेस्ट, इज, हैज़, ब्लोज, फ्लाइज। होल्डिंग एन अम्ब्रेला अ लिटिल गर्ल वॉज वॉकिंग इन द रेन। After some time, the wind blew hard. A crow came and grabbed the umbrella by beak. He flew far, far away. He placed, यानी रखना, the umbrella upside down. Upside down मतलब उल्टा, on one of the branches of a tree. Then he kept his cheeks in the umbrella.
दैट्स हाउ द क्रो फैमिली फाउंड अ नेस्ट फॉर themselves, themselves मतलब खुद के लिए।